कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अवस्थी जी ने देखा। पुरानी कहानी सुनाते थे ना बच्चों को सुलाने के लिए पुराने जमाने में जब, आजकल तो बच्चे गेम खेलते हैं, किसी के पास इंटरेस्ट नहीं, लेकिन कहानी का पर्पज ही होता था धीरे 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 आदमी सो जाता है, तो वॉइस भी वो कनेक्ट करती है ना बिल्कुल। जो है वो जीरो पॉइंट के साइड आ चुके हैं और जो हिरन है, हिरन के जो कप्स हैं और हिरन का जो हर्ट है वो बाहर आ चुका है, जहाँ पे थे और कुछ आगे की साइड माइग्रेट करके चले गए हैं और अभी बहुत सारे यहाँ पर ही हैं। और सामने जो है पीकॉक, सामने पीकॉक और उसके साथ साथ है वो और उसी के साथ साथ चल रहा है पीकॉक। हम कितना भी वेट कर ले टाइगर जो है वो अपने मर्जी से दिखता है, कॉलिंग का वेट है, थोड़ी बहुत जो है कॉलिंग हो रही है लेकिन तगड़ी वाली स्टेज जो कॉलिंग होती है वो नहीं हो रही अभी हाल फिलहाल में, लेकिन बहुत सारे जो है हर्ट जो है वो खड़ा हुआ है यहाँ पर, धीरे धीरे वेट करेंगे 15-20 मिनट अभी यहाँ पर रुकेंगे, इसके बाद देखेंगे कि दिख जाए, लेकिन हर्ट यहाँ पर सामने खड़ा हुआ है ये देखिए। तो अभी जब मैं आया था तो इतने नहीं थे बट अभी ये धीरे धीरे बहुत सारे हो चुके हैं, और पिकॉक जो है हमारा पिकॉक वो बहुत दूर जाके चला गया यहाँ से, अभी तो मुझे दिख भी नहीं रहा बट यहाँ पे था, और टाइगर की मूवमेंट भी यहाँ पे, जब पहले एक बार जब टाइगर की मूवमेंट हुई थी वो इस साइड ही हुई थी, और पिकॉक भी अभी इस साइड ही गया हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पर जो है बहुत सारे डियर खड़े हुए हैं। देखिए अगर टाइगर की मर्ज़ी होगी तो वो दिखेगा, क्यों दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डियर है और यहाँ पे कई बार टाइगर ने अटैक किया है इस ग्रासलैंड में, क्योंकि ग्रासलैंड डियर और टाइगर दोनों का ही फेवरेट होता है। अब डिपेंड ये करता है सिचुएशन पे कि टाइगर कैसा दिखेगा, दिखने का रीज़न बताता हूँ मैं। देखिए अगर टाइगर ने अपना शिकार कर रखा होगा तो वो इस टाइम पर नहीं दिखेगा और ना डियर के पीछे आएगा, अगर उसे शिकार चाहिए तो यहाँ पर बहुत सारे हिरन हैं तो वो आराम से शिकार कर सकता है, देख रहे बहुत सारे डियर हैं, आराम से शिकार कर सकता है, कुछ कॉलिंग वगैरह है उसका वेट कर रहे हैं, 15-20 मिनट हो चुके हैं लेकिन अभी तक कॉलिंग हल्की सी हुई थी बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि हम टाइगर को कितना भी जज कर लें, कितना भी हम उसका गैस कर लें कि ऐसा होगा वैसा होगा, बट जब तक कोई कॉलिंग नहीं होगी हमें खुद पता नहीं चलेगा कि टाइगर जो है, देखिए कॉलिंग हुई ना, अरे नहीं ये देखिए यहाँ से होने लगी कॉलिंग, यहाँ से हुई है, यहाँ से अभी बहुत तगड़ी कॉल अगर आपने सुनी हो, तो यहाँ से हुई, और कॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त वाली थी, दो कॉल हुई है, बहुत तेज़ वाली हुई है, सामने डियर वगैरह है, यहाँ से अभी बहुत तगड़ी वाली कॉल हुई है, एक नहीं दो कॉल हुई थी बहुत तगड़ी वाली, देखिए पिकअप की कॉल भी यहाँ पे होने लगी, लगातार कॉलिंग हो रही थी पिकॉक की भी और यहाँ से बहुत तेज कॉलिंग हुई है, सांबर डियर की जैसी आवाज़ लगी थी उसकी, बट यहाँ से कॉलिंग अब होने लगी है, अंधेरा जो है वो लगातार होता जा रहा है, और डियर जो है वो भी सामने है बिल्कुल ओपन में आ चुके हैं, डर इस बात का लग रहा है कि यहाँ पे जंगल पूरा पीछे हो, यहाँ से भी बहुत ज़बरदस्त वाली कॉलिंग हुई थी एक, उसके बाद से डियर जो है वो सामने खड़े हुए हैं हमारे, कुछ झुंड ये रहा और कुछ ये सामने खड़ा हुआ है, और अभी यहाँ से भी कंटिन्यू 3-4 बार कॉलिंग हुई पिकॉक की, लेकिन उसके बाद जो है वो भी रुक गई है, बट इस टाइम पे खाली कोई नहीं, हम लोग ही है और जंगल बहुत ज़्यादा शांत है इस टाइम पे यहाँ पे, और कहते हैं हमेशा जब जंगल शांत होता है तो वो होता है टाइगर की मौजूदगी, ये कहते हैं खौफनाक जंगल की कहानी है, खामोशी तो सबसे पहले आनी है।
तो बस वही वाली चीज है। उसी वेट में हम भी कर रहे हैं कि कुछ देखने के लिए मिल जाए। डियर के अलावा जो है और कुछ अभी दिखा नहीं है यहाँ पे। तो काफ़ी देर हो गई है अभी कुछ देखने के लिए बना। ये टाइम काफ़ी हो चुका है, 6 बज चुके हैं, तो टाइम से निकलना पड़ेगा। और देखिए अंधेरा भी होने वाला है, तो टाइम से निकलना ही पड़ेगा यहाँ से। ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, बाकी आगे देखते आगे क्या देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इवनिंग का टाइम है, कुछ भी देखने के लिए मिल सकता है इस टाइम पर। तो वीडियो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इवनिंग का टाइम है, कुछ भी देखने के लिए मिल सकता है। देखिए मैं एक चीज़ आप लोगों को एक थोड़ा सा अवेयर कर देता हूँ। आप जो साइड में यहाँ पे ये देख रहे हैं, कभी भी आप बाइक से आए, हमें तो खैर अंदाज़ा हो चुका है कि हम काफ़ी टाइम आ चुके हैं यहाँ पे, तो हमें अंदाज़ा है, तो हम इस चीज़ को देख के हमेशा चलते हैं कि यहाँ पे टाइगर एक बार बैठा हुआ था, और इतनी सी जगह में वो बिल्कुल छुप के बैठा हुआ था। मेल टाइगर था वो, काफ़ी बड़ा साइज था जब वो उठा था, तो जिसने वीडियो बनाई थी उसे खुद बिलीव नहीं था, तो हमें भी बिलीव नहीं हो कि इतना बड़ा टाइगर इतनी छोटी सी चीज़ में कैसे छुप सकता है। तो जो लोग टू व्हीलर से आएँ वो उस चीज़ का ध्यान दें, जब टाइमिंग आप ध्यान दें मॉर्निंग में और इवनिंग में। अभी क्या इवनिंग है तो हम भी कुछ ध्यान देते हुए चले, लेकिन जंगल इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डरावना हो चुका है। मतलब शांत जितना होता है जंगल उतना ज़्यादा डरावना होता है कहता है, बस वही वाला हाल है इस टाइम पे। इतना सुनसान जंगल हो चुका है कि इस टाइम आप कुछ कह नहीं सकते कि कहाँ से क्या दिख जाए देखने के लिए। आप ऐसे देखिए डियर मिला हुआ आराम से चल 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 दिया, ये गाइस ये देखिए कितना प्यारा है। ठीक है चले गए अंदर, डियर के अंदर एक फियर होती है हम इंसानों को देखकर, हालांकि वो टाइगर के अंदर भी होती है, लेकिन डियर बहुत ज़्यादा डरता है, उसको हर चीज़ से खतरा महसूस होता है, इसलिए वो आप देखेंगे कभी भी क्रॉस करेगा या कुछ भी करेगा। क्या सामने बहुत सारे जो है मेल डियर खड़े हुए हैं, और थोड़ा सा आगे ले लो यहाँ से दिखेगा नहीं, बहुत सारे मेल खड़े हुए हैं यहाँ पे। एक डियर का जो हर्ट है यहाँ भी खड़ा हुआ है, और इस टाइम पे देखिए बहुत सारे खड़े हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ ये बहुत सारे खड़े हैं, और यहाँ पर भी बहुत सारे हैं। तो अभी अंदर चले गए, ये देखिए बिल्कुल पास में हमारे ये रहे, मैंने तो अब देखे इसको, ये देखिए तो बहुत सारे। शायद इन्होंने अभी जो रोड क्रॉस करा हमारे आने से 1-2 मिनट पहले जस्ट किया हुआ है। तो ये जा रहा है और कुछ इसके अंदर है, और ये रहे स्पॉटेड डियर है ये, और डियर की ब्रीड है, बहुत सारे हैं यहाँ पे। आप देखेंगे थोड़ा सा लाइट जो है वो कम पड़ रहा है, बट बहुत सारे खड़े हुए हैं। देखिए सामने खड़ा हुआ है, यहाँ से लेके पूरा झुंड खड़ा हुआ है। तो आपको डियर बहुत अच्छे से दिख जाते हैं। देखिए डियर के लिए सफारी ना करें, सफारी करनी है आपको तो जंगल को फील करिए। देखिए डियर हमें यहाँ भी देख लेते हैं, डियर यहाँ भी बहुत ईजिली दिख रहे हैं। ऐसे देखिए सांबर डियर जो है रोड क्रॉस करते हुए मिला, बिल्कुल थोड़ा आगे चलिए। पता है कि टाइगर की बहुत ज़्यादा फेवरेट ये फूड होता है, ये देखिए। और देखिए बहुत से लोग इसको कस्तूरी मृग भी बोलते हैं। तो आप देखिए जस्ट मेरे सामने जो है ये खड़ा हुआ है, बहुत ही पास खड़ा हुआ, बिल्कुल प्यारा है। और ये पता है वैसे आपको, मैंने अभी वैसे पीछे बताया था कि हिरन वगैरह जो होता है वो बहुत जल्दी डरता है, उसे हर चीज़ से खतरा महसूस होता है, लेकिन ये इतने प्यार से खड़ा हुआ बिल्कुल हमारे पास में। और यहाँ पर बहुत सारे हिरन खड़े हुए हैं, ये देखिए ये स्पॉटेड डियर यहाँ पर खड़ा हुआ है, और बिल्कुल हमारे सामने बिल्कुल ये खड़ा हुआ है सांबर डियर। ज़्यादा बड़ा नहीं है, अभी स्टार्टिंग है, और इतने प्यार से खड़ा हुआ, मतलब पहली बार मैं देख रहा हूँ इतने प्यार से बिल्कुल हमारे पास में खड़ा हुआ। ना हिरन को मैंने जितना देखा है कि अगर आप हिरन के पास में भी जाएंगे तो एकदम से भाग जाता है, बट ये इतने प्यार से खड़ा हुआ है कि मतलब मुझे खुद, मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसे। अभी देख रहा हूँ इतना प्यारा है, मतलब बिल्कुल पास में हमारे ये, ये देखिए इतना खाली मैंने इतना जूम करा हुआ, बिल्कुल हमारे पास में है। और ये देखिए बहुत सुकून सांस देखने के लिए मिल रहा है, हमारे साइड देख रहा है।
बट हम कुछ कहने वाले नहीं है उसको। मतलब वाइल्ड लाइफ ना बहुत ज़्यादा प्यारी है, आप जितना इनसे प्यार करेंगे ना वो, अब देखिए इसको किसी भी तरीके से हमारे साइड से कोई वैसा फील नहीं हो रहा कि हाँ कुछ डर सा, बट बहुत प्यार से आराम से खड़ा हुआ है, आराम से घूम रहा है। देखिए लोग इसको कस्तूरी मृग भी बोलते हैं, बट वो पहाड़ों पे नहीं पाए जाते हैं। जब इसकी टेल खड़ी होती है वो इसकी अलर्ट कॉल होती है, जब सांभर डियर की टेल बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी होती है वो सबसे रेयर कंडीशन मानी जाती है कि टाइगर बिल्कुल आसपास में ही है। मतलब इतने सुकून से शायद मैंने पहली बार देखा हुआ है डियर, जंगल की शांति। और यहाँ पे बहुत सारे स्पॉटेड डियर हैं, आप देखिए ये सामने स्पॉटेड डियर खड़े हुए हैं और बिल्कुल हमारे सामने खड़ा हुआ है ये। और हमारे इधर है जंगल और बीच बिल्कुल बीचों बीच खड़े हुए हैं और ये रहा सांभर डियर, बहुत प्यार से खड़ा। मैंने फर्स्ट टाइम इतने प्यार से देखा हुआ है सांभर डियर, क्योंकि वो दिखता नहीं है इतने प्यार से, पहली बार देख रहा हूँ मैं इतने करीब से। तो अपना भोजन करने देते हैं, हम भी चलते हैं आगे की ओर। बट बहुत ही ज़्यादा सुकून से खड़ा हुआ था हमारे पास में, और चलिए अभी देख रहा है। बाय बाय। देखेगा देखेगा फिर से स्पॉटेड डियर। चलो यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं रुक के, हाथियों को ईड हो रही है और स्पॉटेड डियर जो है वो सामने खड़े हुए हैं। तो आप लोग जो सफारी है, अगर आप बफर एरिया में भी चल रहे हैं तो आपको बहुत ईजली जो है सांभर डियर, डियर बहुत ईजली दिख जाते हैं। मैंने आपने हर ब्लॉग में दिखाया है कि सांभर डियर बहुत आसानी से, और हिरन एक नहीं बल्कि दो हैं। सामने है बड़ा पनौत नाला जहाँ पे टायर केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, सामने रहा डियर। चलो जाने दो, चलो। तो डियर आपको इवनिंग और मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा दिख जाएंगे। तो जल्दी से गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मॉर्निंग में मैं आप लोगों को फिर से जो है मॉर्निंग में जिम कॉर्बेट पार्क कैसा दिखता है और मॉर्निंग में क्या क्या चीज़ें, क्योंकि आपको पता है कि टाइगर डियर एलिफेंट कुछ भी हो मॉर्निंग इवनिंग में सबसे बेस्ट साइटिंग होती है। तो मैं आपको मॉर्निंग में फिर से आऊँगा और दिखाऊँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और मॉर्निंग में कैसा जंगल फील होता है, क्या क्या चीज़ देखने को फिर से मिलती है। तो चलते हैं, वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। शहर का भी रह रहा है ना जी, ऐसा कोई पागल मिलेगा जो जंगल जाके बोल रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा? एक आध परसेंट हो सकते हैं। शहर के कितने ही शहर में पैदा हुए आदमी को आप लेके जाओ और जंगल में सुबह सुबह हुई जो स्मेल आती है उसका दिल खुश हो जाएगा। और चिड़ियों की चहचहाट, चिड़ियों के चहचहाट जो एक स्मेल होती है ना, पेड़ की स्मेल होती है आम में, इस साल में भी आता है। साल में हाँ, अच्छा। साल में जब बौर आएगा ना तब इतनी अच्छी खुशबू आती अच्छा, है ना। हाँ। अभी किस चीज़ की खुशबू आ रही है? अभी भी आ रही है जंगल, जामुन, जामुन के, जंगली जामुन, जामुन हाँ, जंगली जामुन ये छोटी होती है ना, मीठी बहुत होती है, बंदर खाते हैं इसको बहुत ना, हाथी भी खाते हैं। हाथी के लिए तो क्या हो, हाथी तो घास ही खाता है, अब वो बीन के थोड़े खाएगा। देखो बीन के नहीं खाता, बीन के नहीं खाता। ओ भैया तुम यार इसको तुम बहुत कम कर दो भाई, मैं नहीं पीऊंगा। टेस्ट तो कर लो, नहीं जितना बच जाएगा तो रख दे, इसको दे दो, दोनों में खा पा पी। नहीं नहीं हम यहाँ पे अब बना सर पार्टी ले लो लड़के और के। अरे वाह बधाई हो, मुझे लग रहा शायद 6 महीने हो गए क्या? नहीं तो अभी तो और क्या, एक महीने में तो नहीं होता। अच्छा अभी सुनो बात भी हकीकत है, हमें जो ना रात में हम कहानी लगा के स्टोरी लगा के ना लीड लगाया फिर सो के फिर मैं कहानी का सिस्टम ही था पहले, दादा दादी नाना नानी कहानी सुनाते थे ना बच्चों को सुलाने के लिए पुराने जमाने में जब ये, आजकल तो बच्चे गेम खेलते हैं किसी का इंटरेस्ट नहीं, लेकिन कहानी का पर्पज ये होता था धीरे 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 आदमी सो जाता है। ये तो वॉइस भी वो कनेक्ट करती है ना बिल्कुल, वो फील भी दिलाती है वो। हमने बहुत कहानियां सुनने की, तब तक कैमरा ही ऑन है, फिर उसके बाद वो जाता जाता रिकॉर्ड हो गया तो मतलब पूरा दिख गया कहां से, पूरा दिख गया था। लेकिन बांधवगढ़ में तो बैठा मेरे सामने हाथ लगा के चलता गया, फिर बैठा फिर दो टाइगरों की लड़ाई की दहाड़ भी सुनाई दे रही है, वो बांस के वो झाड़ी में था वो, हां वो भी एक था, हां बहुत था। भालू दिख गया, भालू भी दिख गया,
आपका हाथ ही दिखते रहते हैं, मतलब तो सारे जानवर दिख गए। नहीं लेपर्ड तो मुझे उसी ने देखा, दिखाया तुमने जब वो क्या मतलब शिकार कर रहा था तुम्हारे, खा रहा था। अच्छा मैं तो वो तो चार्जिंग मोड में आ गया था, खड़ा होने को हो गया। कहाँ घुस रहे हैं? ए बिस्कुट लेके तो लोग कभी खिला नहीं रहे, कभी उसने प्यार से पप्पी नहीं करी मुझे। जब सर घर से आ रहे थे ना एक बार, हमने कहा कुछ स्मेल सी आ रही है, लेपर्ड आ रहा है, और गाड़ी रोकी एकदम से लेपर्ड निकला। हाँ दो निकले, दो और पहले ही बता दिया था कि लेपर्ड स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है, लेपर्ड आ गया। पाँच सेकंड, पाँच मतलब एक मिनट पहले बताया था। हाँ एक मिनट पहले बताया था। और जबकि मुझे एक बात बताओ सर, जैसे कि टाइगर तुम्हारे करीब में है ना, तो उसकी स्मेल कैसी होती है? बकरे की तरह, टाइगर की, बकरे की तरह होती है टाइगर की। हाँ। अगर तुम्हें लगे ना बकरे टाइप की एक स्मेल आ रही है और बासमती चावल की, मतलब शेरो, मैं परसों बीच में ऐसे ही निकल गया जो बड़ा बनो की नाकर, तो हुआ कि जैसे कि देखो टाइगर ना कभी किल करता है तो जो जो आ जाओ आ जाओ बैठे बैठे। मैं सुबह आया था, नमस्ते। मैं वैसे इवनिंग में आया था मिलने के लिए, लेकिन लेट हो गया था थोड़ा इस वजह से। आप बैठो सर, आगे करो कुर्सी, पीछे क्यों चले गए? कब पहुंचे सर आप? मैं आ गया दोपहर को, आ गया था चार साढ़े चार बजे। रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा? अभी तो शायद पता नहीं उसका कट पैसे। वीआईपी मोमेंट कौन आ गया? सचिन तेंदुलकर। अच्छा तो सचिन तेंदुलकर ने कैंसिल कर दिया? हाँ सारी बुकिंग अंदर थी। अच्छा सारे, नहीं नहीं कोई और भी आया होगा साथ में? नहीं नहीं जो आधा घंटे बैठा, मतलब वो टाइगर मिला उसमें जो आधे घंटे तक था। तो आपने तो राजा जी को भी टाइगर दिखा दिया। ये इनके S24 का कमाल है, जिस दिन इन्होंने लिया है तो उसने वो नमक काटता हुआ भी दिखाई दिया था वीडियो में। अरे आपको बताइए, हाथी नमक काटता हुआ नहीं दिख गया था? नहीं वो कल आपको कमेंट में पढ़ रहे थे, आप कोई लिखे हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अवस्थी जी ने देखा। आज हमने भी देखा, हमने भी देखा। 15 मिनट हमें आज एक बंदा था वो हमेशा हर वीडियो पे करता था, मेरे को भी करता था। नहीं जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैं कहता वीरू ने देखा। कई लोग ने बताया, एक बोलता है मैं सत्यनारायण मंदिर का लेपर्ड, एक सत्यनारायण मंदिर का लेपर्ड का मैंने एक वीडियो बनाया था, मैनिटर था, तो उसमें एक बंदा कमेंट करता है मैं सत्यनारायण मंदिर का लेपर्ड बोल रहा हूँ। एक है पांडे, एक मैंने ऐसे ही बोला था, वो यहाँ पे ढिकाला में एक पांडे जी पे अटैक हुआ था, तो पांडे डियर, पांडे डियर, वेयर माय डियर, तो वो उसमें कमेंट में लिखता है, तो लोग लिखते हैं सब अलग तरह, बहुत सारे ऐसे जो कमेंट करते नहीं करेंगे। आप उस जो ले लद्दाख गए थे ना वो वाइल्ड हॉर्स जो देखे, उसको अब बोल रहे थे किसी को आपको पता हो तो बताइएगा ही, उसको हम लोग वो ले का भाषा में उसको म्यूल बोलते हैं। म्यूल नहीं, नहीं, नहीं म्यूल नहीं बोलते, वो म्यूल को बोलते हैं इश्कियांग। वो मुझे किसी ने बताया था, फिर मैंने बाद में मालूम चला था म्यूल तो सारे खच्चर को एक्चुअली वाइल्ड एस है, वो वाइल्ड एस है लेकिन इश्कियांग बोलते हैं, लद्दाख की भाषा, लद्दाख की भाषा। और पापी सब एक जो डेथ हो गया उसके लिए वेरी सॉरी। हाँ वो छोटी वाली ना, लेकिन वो मैंने डॉक्टर को दिखाया था ना, तो कुछ हो नहीं सकता था, वो शांत वाली जो थी ना। हाँ वेटरनरी डॉक्टर आए थे, बोले इसको ऑपरेशन करेंगे वैसे ही मर जाएगी। हेलो हाँ हाँ जी जी, तो हाथी मिलेगी अपनी यार, कल क्या चाहिए तो मिल जाएगा एक रूम का, एक क्या दो रूम हुए हैं, मतलब एक कैंसिलेशन आई है। हाँ हाँ अगर आप जंगल में एंटर कर गए तो आप आ सकते हैं।
अक्सर चाय बनाइए, पानी तो बहुत सारी जगह है, पानी नहीं आप दो इंच कम क्यों कर दिए? हम आएंगे आप इधर आओ, तुम भी अंदर आइए, सब लोग आ जाइए। अरे नहीं नहीं, इसको तो खड़ा करना है, जान दो। वो कहाँ बेटी का गया हमारा शायद, वो कहाँ गई? रीनी वो बीरू का ये से बहुत प्यार हो गया उसका। अच्छा से, अच्छा अच्छा, हाँ नहीं बच्चों को होते ही है। आप ठीक है? आइए सर, चलो चलो, रुकना है।